केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर पटना में फेंकी गई स्याही, चेहरे और गाड़ी पर दिखे स्याही के दाग। अश्विनी चौबे जनता की एक शिकायत पर किसी जेई को गाली देते हुए पकड़े जाने की कर रहे थे बात, तभी स्याही अटैक कर दिया गया। पटना के पीएमसीएच में डेंगू मरीजों का हाल जानने पहुंचे थे अश्विनी, तभी उन पर फेंक दी गई स्याही। मंत्री चौबे ने स्याही कांड में पप्पू यादव की तरफ किया इशारा। में पहले काफी आगे थे, वैसे ही अपराधियों के इशारे पर यह काम कर। अनुच्छेद 370 हटाने और पाबंदी लगाने के बाद श्रीनगर में आज हुआ पहला विरोध प्रदर्शन, लाल चौक पर जुटे प्रदर्शनकारी। कश्मीर में कल हटा ली गई थी मोबाइल पोस्ट पेड सेवा पर से पाबंदी, पाबंदी हटते ही आज जुट गए प्रदर्शनकारी। श्रीनगर में विरोध के बीच एक और तस्वीर सामने आई, सेना में भर्ती होने के लिए लगी लंबी लंबी लाइन, फिजिकल टेस्ट में बड़ी तादाद में पहुंचे कश्मीरी युवा। कश्मीर में पोस्ट पेड मोबाइल सेवा बहाल होने पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक का विवादित बयान, बोले अब कश्मीर में युवा लड़के लड़कियां कर सकते हैं आराम से बात। शोपिया में आतंकवादियों ने ट्रक ड्राइवर की हत्या की, बागीचे के मालिक को पीटा, राजस्थान से सेब लेने पहुंचा था ट्रक ड्राइवर, वारदात में एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल। हरियाणा के चरखी दागरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, कहा जनता चाहती है यहां फिर से बने बीजेपी की सरकार, कुरुक्षेत्र में भी पीएम मोदी ने की रैली आज। आप सबके प्रेम के कारण पवित्रता, परिश्रम, ईमानदारी, इसको आज हरियाणा की जनता जनार्दन मोहर लगा रही है। पीएम मोदी ने कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विकास पर जनता करेगी मतदान, लोकसभा में मिले समर्थन के लिए चरखी दादरी का जताया आभार। महाराष्ट्र के ठाणे की रैली में ओवैसी ने दी संघ और शिवसेना को चुनौती, बोले भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। राफेल की पूजा पर आज तक से बोले राजनाथ सिंह, जिन्हें हिंदुस्तान की आत्मा का एहसास नहीं वो कर रहे हैं ऐसी टिप्पणियां। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, हिंदू पक्ष कर रहा है जिरह, कहा मंदिर हमेशा मंदिर रहता है चाहे वही मूर्ति हो या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अब सिर्फ 17 अक्टूबर तक होनी है सुनवाई, 17 नवंबर तक फैसला संभव है। अयोध्या में जोरों पर है दीपोत्सव यानी कि दीपावली की तैयारियां, इस बार टूटेगा पिछले साल का रिकॉर्ड, 4 लाख दीपों का टारगेट। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की विवादित स्थल पर दीपोत्सव मनाने की मांग हुई खारिज, राम जन्मभूमि के रिसीवर कमिश्नर ने किया इनकार। अयोध्या पर फैसले को लेकर आज तक से बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको स्वीकार्य होगा, इस बार अयोध्या में हम मनाएंगे भव्य दीपावली। मुंबई में बीजेपी ने जारी किया महाराष्ट्र के लिए अपना संकल्प पत्र, बुनियादी सुविधाओं के लिए 5 लाख करोड़ के निवेश का वादा, 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का भी वादा, गाह राज्य में पैसे की कमी की वजह से कभी कोई बीमार नहीं मरेगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया वादा, महाराष्ट्र में हर किसी के पास होगा घर, कोई नहीं रहेगा बेघर। बीजेपी ने संकल्प पत्र में वीर सावरकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने का मुद्दा भी उठाया। बंजारा समाज के वोट बैंक पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नजर, मनाने पहुंचे वासिम के ओहरा देवी गांव। हरियाणा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां, कुरुक्षेत्र और चरखी दादरी में हुंकार। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने आरएसएस को बताया देश विरोधी संस्था, कहा संघ कर रहा है देश को तोड़ने वाला काम। हरियाणा के टोहाना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के लिए रैली नहीं कर सके गृहमंत्री अमित शाह, वीडियो संदेश में सेहत का हवाला देकर मांगी जनता से माफी। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी पर किया वार, बोले हरियाणा को बीजेपी न सिखाए राष्ट्रभक्ति, देश के लिए बलिदान देने वालों की हरियाणा में तादाद सबसे ज्यादा। महाराष्ट्र चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चला डॉक्टर अंबेडकर कार्ड, बाबा साहेब की तरह बौद्ध धर्म की अब लेंगी दीक्षा। हरियाणा के मानेसर में एनएसजी के 35वें स्थापना दिवस का आयोजन, कमांडोज ने सुरक्षा और साहस का किया जबरदस्त प्रदर्शन। एनएसजी के स्थापना दिवस में बोले गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आई है शांति। एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर डीआरडीओ में डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोवल, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद। अजीत डोवल ने भारत की तकनीकी दक्षता की तारीफ की, कहा हमें अपनी रक्षा सेवाओं, खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर जरूरतों
का करना होगा आकलन। थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की नसीहत, हमें साइबर स्पेस लेजर इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर देना होगा जोर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बीसलपुर प्राथमिक विद्यालय में प्रार्थना कर पैदा किया गया बेवजह का विवाद, डीएम के आदेश पर प्रिंसिपल फुरकान अली को निलंबित किया गया, स्कूल में इकलौते शिक्षक थे फुरकान। लोगों का आरोप, प्रिंसिपल फुरकान अली प्राथमिक विद्यालय में जो प्रार्थना कराते हैं वो मदरसे में कराई जाती है, लेकिन प्रार्थना में क्या गलत उन्हें लगा ये नहीं बताया। महाराष्ट्र के लोनावाला में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में एक लंगूर सुरक्षाकर्मियों के पसीने छुड़ा रहा था, देर तक मंच पर टिका रहा, पोस्टर के पास बैठा रहा, बाद में लंगूर को मंच से उतारा गया और डायस के पास से भी काफी देर बाद उसे वहां से भगाया गया, हालांकि योगी उस वक्त मंच पर मौजूद नहीं थे। मुंबई में पीएमसी बैंक के ग्राहक के सदमे से मौत, विरोध प्रदर्शन के बाद पड़ा दिल का दौरा। पीएमसी बैंक में संजय गुलाटी के परिवार के 90 लाख रुपए जमा थे, पैसा फंस जाने की वजह से थे परेशान। संजय गुलाटी का एक बच्चा है दिव्यांग, इलाज के लिए हमेशा रहती है उन्हें पैसों की जरूरत। कल ठाणे में भी पीएमसी बैंक के ग्राहकों ने प्रदर्शन किया, पैसे देने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के बीच आरबीआई ने बढ़ाई पैसे निकालने की सीमा, अब 6 महीने में आप निकाल सकेंगे 40,000 रुपए। पाकिस्तान ने गढ़वा सेक्टर में फिर से तोड़ दिया सीज़फ़ायर, रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। कच्छ में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लपटों में घिरी समूची फैक्ट्री। कच्छ के नंदगांव में स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री, आग लगते ही बनी अग्निमहल। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों पर काबू पाने में जुटे, धुएं और गुबार और ऊंची उठती लपटों से हो रही है मुश्किल। भिंड में डंपर से कुचलकर एक लड़की की मौत, लोगों ने सड़क जाम करके किया जबरदस्त हंगामा। भीड़ तंत्र का संवेदनहीन चेहरा भी आया सामने, हादसे के बाद देर तक तड़पती रही लड़की, लोग मोबाइल से बनाते रहे वीडियो। एमिटी यूनिवर्सिटी की छात्रा मुस्कान की आत्महत्या केस में नया मोड़, आरोपी लड़के के पिता ने मुस्कान की सहेली और एक लड़के पर मुस्कान को ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। आरोपी लड़के के पिता ने मुस्कान की सहेली और एक लड़के के बीच हुई चैट की फोटोकॉपी भी दिखाई, किया दावा, मुस्कान से प्यार करता था मेरा बेटा। रायसेन में सहायक आबकारी आयुक्त के 60 ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा, 56 एकड़ जमीन, 2 फार्म हाउस, करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा। यूपी के झांसी में दर्दनाक हादसा हुआ, एक घर में आग लगने से 4 परिजन जिंदा जले। यूपी के मैनपुरी में जीवित महिला को मृत बताकर जालसाजों ने हड़प ली उसकी जमीन। लखीमपुर खीरी में छात्रा के गले से छीनी गई चेन, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। गुजरात के गीर में तेंदुए के बच्चे को पकड़कर खिंचवाई फोटो, तस्वीरों में बच्चे को परेशान करता दिख रहा है एक शख्स। गाजियाबाद में पटाखों के गोदाम में छापेमारी, 50 लाख रुपए के अवैध पटाखे जब्त। कासगंज में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, एसआईटी की जांच के बाद 90 फर्जी टीचर्स को किया गया बर्खास्त। छपरा में मांग को लेकर डीएम के घर के बाहर बैठे गांव वालों पर लाठीचार्ज, महिलाओं को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। झांसी में एक बक्से में 8 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप, परिवार वालों ने चाचा पर लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली में डीडीए पार्क में व्यापारी की लाश मिलने से सनसनी, 2 दिन से घर से था गायब। दिल्ली में उधार के पैसे न चुका पाने पर शख्स ने की दोस्त की हत्या, पुलिस ने दबोचा। दिल्ली में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर ट्रक लूटा गया, हैदराबाद जा रहा था ट्रक। वाराणसी में एक शख्स को बादों में फंसाकर 2 लाख रुपए लूटे, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। सीतापुर में युवक की हत्या के बाद हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आरा में गैंगरेप का केस वापस न लेने पर आरोपियों ने पीड़ित के घर पर की पत्थरबाजी, बेल पर बाहर निकले थे सभी आरोपी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में परिवार समेत भूख हड़ताल पर बैठा है होमगार्ड सैनिक, अधिकारियों से परेशान होकर तबादले की कर रहा है मांग। रांची में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में फायरिंग, 2 भाइयों को गोली मारकर फरार हुए अपराधी। मध्य प्रदेश के दमोह में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने लड़की ने लगा ली फांसी, जांच में जुटी है पुलिस। बरेली में सरकारी स्कूल में दलित छात्रा के साथ छुआछूत और भेदभाव का मामला सामने आया, पुलिस के साथ विभागीय जांच भी शुरू। दिल्ली में स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली। दिल्ली में राजघाट के बाद मुठभेड़, दोनों तरफ से फायरिंग के बाद बदमाश इमरान गिरफ्तार।
प्रयागराज में दो छात्र गुटों में जमकर झड़प, कॉलेज में रोक लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद। इटावा में घर में घुसकर महिला की गला काटकर हत्या, जांच में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरनगर में घर के बाहर सो रहे शख्स पर नकाबपोश ने किया डंडों से हमला, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। ऊधम सिंह नगर में एक दर्जन नशेड़ियों में एचआईवी पॉजिटिव, मचा हड़कंप। जोधपुर में सेंट्रल जेल में स्मैक और अफीम का नशा करते कैदी कैमरे में कैद, जेलर पर लगाए रेड कार्ड के गंभीर आरोप। बलरामपुर में घर में घुसकर रेप पीड़िता पर जानलेवा हमला, अदालत में बयान न देने की दी थी धमकी। यूपी के गाजियाबाद में युवक की हत्या की सुलझी गुत्थी, तीन गिरफ्तार। देवरिया में गांव और ऑटो की टक्कर में तीन मौत, मरने वालों में दो चचेरे भाई शामिल। बैतूल के फोर लेन पर चलती कार की छत फाड़ कर घुसा पत्थर, बैंक मैनेजर की मौत। दरभंगा में चलती कार में लगी आग, तीन लोगों ने कूद कर बचाई जान। फरीदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से 200 मीटर की दूरी पर लगी आग, खुले में पड़े रबर के स्क्रैप में आग लग गई। सिद्धार्थनगर में प्रेमी की पिटाई से आहत प्रेमिका ने खाया जहर, स्थिति गंभीर। अब सुपर ओवर टाई होने के बाद बाउंड्री के आधार पर नहीं होगा फैसला, आईसीसी ने हटा दिया नियम। सुपर ओवर तब तक जारी रहेगा जब तक ज्यादा रन बनाने का नहीं आ जाता फैसला, पुराने नियम के आधार पर ही इंग्लैंड ने जीता था वर्ल्ड कप, पूरी दुनिया में इस नियम पर खड़े हुए थे सवाल। टेस्ट में नंबर वन बनने की विराट की दावेदारी मजबूत, मौजूदा नंबर वन स्टीव स्मिथ से सिर्फ एक अंक पीछे हैं विराट कोहली। बीसीसीआई अध्यक्ष का कार्यभार संभालने से पहले सौरभ ने सेट किया अपने कार्यकाल का पहला एजेंडा, कहा प्रथम श्रेणी क्रिकेट को सुधारना मेरी प्राथमिकता। सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई की साख बहाल करने का जताया भरोसा, बोले कप्तानी से टीम इंडिया को संकट से उबारा था, बोर्ड को भी ठीक कर दूंगा।